आ गई है एक हफ्ते में वापस। तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। बचपन में बेकार है। रोहतक का? बहुत बेकार और जहाँ तुम रहते हो वहाँ का बेकार होगा, पूरा तो खराब होगा नहीं? रोहतक का पूरा ही बेकार है, पूरा ही है। बेकार है। मैं बोलने अच्छा की हवा पानी आ गया। ये खा रहे फुकड़े टिन कर रहा है खाज। हेलो। ओके गाइस, तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं एंड जलपा को हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं, बस बीपी हाई ज़्यादा हो गया था और काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगा बट हुआ नहीं। तो सोचा कि हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी उसी के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं वहाँ क्या रहता है। पे कुछ आया नहीं रहा, कब से लगाई है। पहले ही चक्कर आ रहे थे, इंजेक्शन लगाते थे, डबल चक्कर चक्कर पे चक्कर। ठीक हो? चलो, आज मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। ये पेड़ मैंने 2.5 साल पहले लगाया हुआ था एंड अब ये इतना बड़ा हो गया है, मस्त एकदम। एंड ये वाला है करी पत्ता और ये इसको आई थिंक 1.5 साल ही हुए होंगे, 1.5 या 2 साल हुए होंगे शायद। जलपा आई थी उस टाइम हमने लगाया था ये हमारी शादी को, तो आई थिंक 2.5 साल से 2.5 साल हो गए ना। बट ये 2 साल का पेड़ है, ये 2.5-3 साल का है और ये 2 साल। मुझे गार्डनिंग का शौक़ है और अभी कल मैंने यहाँ पे लगाए हैं, मतलब बोया है धनिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटे छोटे ये दिख रही हैं वाइट वाइट, ये धनिया है पूरा। ये मैंने इसलिए रखा है ये काट के, ये क्योंकि डॉग्स हैं जैसे टिंटिन है और बाहर के भी डॉग्स आ जाते हैं तो गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसको खोद के यहाँ पे बैठ जाते हैं लोग तो नुकसान हो जाता है, इसलिए फिर ये रखना पड़ता है इसको बचाने के लिए। और ये मिर्च का पेड़ लगाया था, इसमें अभी फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं तो इसमें लगेंगे। एंड और भी मैंने बहुत सारे लगाए थे और पालक भी लगाई थी, वो भी मस्त एकदम मज़ा दिया उसने। एंड अभी ये देखो यहाँ पे ये फूल लगाए थे, अभी घास ज़्यादा हो रखी है इसमें इसलिए क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो कभी 2-4 दिन में बारिश होती रहती है तो इसको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। और बारिश में वैसे भी पौधे हैं ना जो वो बहुत जल्दी उगते हैं। और ये वाला भी मिर्च का पेड़ है, ये मिर्च का पेड़ लगभग 2.5 साल का हो गया है और इसमें देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं, ये देखो पूरे पेड़ में
फूल ही फूल हैं। तो अभी इसमें मिर्च लगेंगी बहुत सारी, ये देखो बहुत सारी मिर्च लगेंगी। एंड ये वाला जो पेड़ है ये मेरे को पता नहीं था कि नींबू है या मौसमी है, छोटा सा था ये, इसको बहुत बचाया मैंने और अब जाके इतना बड़ा हुआ है। इसको लगभग 3-4 साल हो गए इस पेड़ को और अभी इतना बड़ा हो गया है। पानी देते देते बचाया, इसको टूट गया था बिल्कुल, डंडा बांध के नीचे खड़ा करके उसके बाद इसको फिर बचाया मैंने, अभी ठीक है। तो एक गुलाब के दो लगाए थे वहाँ पे, देखो वो वाइट वाइट दिख रहा ना, वो गुलाब है। और उसके बगल में एक और लगाया था, वो बचा नहीं, और ये वाला बचा है। और ये एलोवेरा है और ये भी मिर्च का है, इसके अंदर देखो ये वाले फूल आ चुके हैं ना। हाँ, एंड अंदर भी बोए थे 2-4 पेड़ हैं, इसमें घास में इधर दिख नहीं रहे हैं। उधर लगाई थी मैंने पालक, तो अभी पालक ख़त्म कर दी मैंने एंड मिर्च वगैरह भी हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा जल पापा हम हॉस्पिटल लेके गए थे एंड उसको है थोड़ा बहुत आराम, बट फिर भी पूरी तरह से नहीं है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में अगेन एंड कुछ शॉपिंग करेंगे, क्योंकि लग के अंजू है जो उसके लिए एंड जलपा के लिए भी, क्योंकि जलपा जाने वाली है गुजरात, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे एंड चलते हैं, देखते हैं। अभी पालने बहुत मुश्किल काम है सब दुनिया का, भीतर जाते रोन लग जे है अस्पताल में, बाहर लाते चुप हो जे है। ले लू, आ जा भी, आ जा आ जा आ जा, ले ना 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 क्या। गर्मी लागे इसने, सो जा। इब कौन सा हुआ है? ना, आ रही है मम्मी, आ रही है बेटा, चुप जाओ भी, चल चल तार दे नीचे, चलन दे ना, फिर मेरा लगेगा। ठीक है, अब ठीक है, कौन ठीक बोला ना तू, पाल तो नहीं बोलेगा मेरे के लिए कोई। बाइक को बिठा के चला। अरे ए, अरे नीचे ना गिर जाइए। आयु देखो आप कैसे हंस रही है, वहाँ क्या हो गया था? इसको ना अलग जगह ना ऐसे अटपटा लगता है, ज्यादा लोग पसंद करते नहीं। हाँ, इसलिए बच्चों को संभालना ना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने घर पे रहती है, कंफर्टेबल रहती है, बाहर आती है पता नहीं क्या हो जाता है इसको। यहाँ भी देखो ठीक है, हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे चाहे ऐसे ले चाहे वैसे ले, चाहे जो भी कहूँ खिलाऊँ कुछ भी नहीं, रोना रोना बस, इतने यहाँ से बाहर गए इसे। हाँ, ऐसे टाइम पे तो भाई माँ पास ही मतलब ये चुप होते हैं, फिर चाहे कितना वो कर लो। चलो हॉस्पिटल से तो हम लोग आ गए, थोड़ा सोचते हैं खा लेते हैं, भूख लगी है, एंड इसके बाद फिर चलते हैं सोने के लिए थोड़ा। ये चली जाएगी जलपा भी और इसको लेके 6-7 दिनों में। चलो 18, 24। हमारा ये चिल्ला, ये मेरे को बहुत पसंद है, सॉरी पोटैटो चिल्ली, चिल्ली पोटैटो पोटैटो चिल्ली जो भी है, चिल्ला निकल गया मुझसे, ये मस्त होता है। चलो अभी खाते हैं एंड फिर चलते हैं, और भी मंगाए हैं चीज़ें। डर गई वो पाड़ है इतना, तो कैसे सो रही है, इसीलिए रो रही थी है सोने के लिए। अब
आधी शॉपिंग हो गई है, आधी बाकी है और ये सो गई, इसीलिए रो रही थी बेचारी इतनी देर से सो गई।